पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाखड़ को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने का फैसला कल ही हो गया था। कांग्रेस को गुड बाय कहने वाले जाखड़ ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। जाखड़ इन दिनों दिल्ली में ही हैं और आज सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी में शामिल होंगे सुनील जाखड़, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जाखड़। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की थी। और इसी खबर पर हमारे साथ राजा पटेल दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की सियासत में काफी हद तक भूचाल भी देखा जा रहा है, चाहे बात कांग्रेस को लेकर की जाए या तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को लेकर की जाए। अब ऐसे में अगर पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसे कैसे देखा जाए और इसके क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं? और बिल्कुल देखिए, मायने काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से हम बात करें पवन कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ की, तो काफ़ी बड़ा चेहरा है वो पंजाब में कांग्रेस के, और पहले उन्होंने जिस तरीके से फेसबुक पर कांग्रेस को गुड बाय कहा था और काफ़ी इमोशनल वो नज़र आए थे, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी की गतिविधियाँ थी, काफ़ी लंबे समय से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और लगातार वो ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो कांग्रेस हाईकमान से बात करने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर कर रहे थे। पर जिस तरीके तमाम उन्होंने आरोप लगाए थे जब वो फेसबुक उन्होंने लाइव क्या था, लोगों से बातचीत करने की वहां पर कोशिश की थी, तो उन्होंने हाईकमान पर तमाम आरोप लगाए थे कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं होती। 50 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए हैं, काफी बड़ी बात है। उनके जो पिताजी थे वो भी कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी क्षति यहां पर कांग्रेस को होगी यदि वो बीजेपी में जाते हैं। पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 1:30 पर बीजेपी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जो जानकारी है कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सुनील जाखड़ को बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुनील जाखड़ की बात करें, काफी लंबे समय से कांग्रेस से विवाद चल रहा था, जिस तरीके से पूर्व में वो अध्यक्ष भी रहे हैं और काफी मजबूती के साथ वो कांग्रेस की बातों को रखते हुए आए हैं। ऐसे में पार्टी की नाराजगी के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को गुड बाय किया और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पर एक तरफ समीकरण ये भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि कल जिस तरीके से गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, तमाम जो तथ्य हैं पंजाब के, उन सभी चीजों को लेकर बातचीत जरूर हुई होगी, क्योंकि पवन जाखड़ की हम माफ कीजिएगा सुनील जाखड़ की हम बात करें तो वो चाहते हैं कि पंजाब की राजनीति में वो काफी बड़े नेता हैं और आगे भी बने रहें। इसी कड़ी में उन्होंने इस पार्टी को चुना है और अब से कुछ देर बाद वो ज्वाइन जरूर करेंगे। पर जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, बीजेपी काफी ज्यादा कमजोर पंजाब में नजर आ रही थी, ऐसे में काफी बड़ा और बड़ा चेहरा बीजेपी को अब मिलने जा रहा है। देखने की बात होगी क्योंकि आगे जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरीके से सुनील जाखड़ की भूमिका रहती है। जी बिल्कुल राजा, यहाँ पर मैं कांग्रेस की भी बात करना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनावों में जो हार मिली है इस बार कांग्रेस, उसके बाद लगातार मंथन किया जा रहा है और मंथन के जरिए जताया जा रहा है कि कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में आगे अपनी दावेदारी पेश करती नजर आएगी। लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ना सिर्फ पंजाब में, चाहे बात बाकी राज्यों की कर लें, वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और बाकी पार्टियों के साथ जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की ओर से जो मंथन किया जा रहा है वो कितना कह सकते हैं कि हम इस समय वाजिब साबित हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए, एक तरफ कांग्रेस मंथन लगातार करती हुई नजर आ रही है। पहले उदयपुर की बात करें, उसके बाद पिछले दो दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में महासचिवों की मीटिंग होती है, पर कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को कांग्रेस हाईकमान को सुननी होगी। पहले जिस तरीके से गुजरात की हम बात करें, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, पवन जाखड़ पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुके थे, गुड बाय कर चुके थे। अब जो जानकारी है कि कुलदीप बिश्नोई, जिस तरीके से फोटो उन्होंने ट्वीट की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, काफी बड़ा संदेश ये देने की कोशिश है,
क्योंकि कुलदीप बिश्नोई काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उनका भी नाम कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में था, पर जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुरुग्राम में मुलाकात की है, तो कांग्रेस हाईकमान को यहाँ पर सोचना होगा। और पवन सुनील जाखड़ की हम बात कर रहे हैं, सुनील जाखड़ 50 साल कांग्रेस को सेवा दे चुके हैं, यानी कि काफी पुराने वो नेता कांग्रेस कर रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस को भरोसा जीतना होगा और देखना ये होगा कि क्या कुछ आज रहता है। राजा आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।